इंजन में कोई असर नहीं आएगा, जो मैं आपको बैंक पे दिखा दूँ स्टेनलेस स्टील का है। जैसे जहाँ जहाँ पे आता है वहाँ पे हमारा सेंसर का लगा हुआ है, आप वहाँ पे सेंसर लगा सकते हैं। एक बहुत सारे जैसे एक रॉप हो गया, लिनसी है, एससी है आपको, और ये सिम हो रहा है। आज मैं आवाज़ सुना देता हूँ, जितना भी आपको आवाज़ सुना दूँ, जो पसंद हो कमेंट्स में जरूर बताना कि अपने एक दोस्त का फोन पर साउंड अच्छा लगा। जो हमारा बैंड पाइप देख सकते हो खुल चुका है, जो हमारा ये जैसे तीन पेज होते हैं, दो आगे होते हैं और एक यहाँ पे तीसरा पेज खुला है, जो हमारा बाहर लग जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील का है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है। जब दिल करे आप हटाना चाहो हटा सकते हो, जब दिल करे लगाना चाहो लगा सकते हो। सो जब ये पहले बैंड पाइप फिट करवाते फिर मैं आवाज़ वगैरह सुनाता हूँ। सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर इन इट इज इट बाइक वर्ल्ड। आज V4 में मैं जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने वाला हूँ, और V4 जो है आपका 2023 में है, उसमें आपको कुछ चेंजेस किया, जैसे डबल सेंसर आ गए हुए। डबल सेंसर का मतलब होता है कि अब कोई पहले के वाले जो जितने भी बाइक थे उसमें सिंगल सेंसर था, सिंगल सेंसर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर डबल सेंसर वाले को सिंगल में लगाते हैं तो प्रॉब्लम आता है जैसे इंजन में। और हम जो लगाने वाले डबल सेंसर वाले, इससे होता है कि इंजन में कोई असर नहीं आएगा। जो मैं आपको बैंड पाइप दिखा दूँ स्टेनलेस स्टील का आएगा, और डबल सेंसर के साथ है हमारे पास बैंड पाइप। अगर आपको फिटिंग करवाना हो चाहे मंगाना हो तो मंगा सकते हो। ये देख सकते हो डबल सेंसर, जैसे कंपनी से जैसे जहाँ जहाँ पे आता है वहाँ पे हमारा सेंसर का ये लगा हुआ, आप वहाँ पे सेंसर लगा सकते हैं। एक सेंसर, ये दूसरा सेंसर, और ये आपका स्टेनलेस स्टील का बैंड पाइप हो गया, जो आपको रस्ट वगैरह नहीं लगेगा आपका। और एग्जॉस्ट, इसमें मैं साउंड सुना दूंगा कौन कौन से एग्जॉस्ट है, आप साउंड सुन लेना। जैसे बहुत सारे एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हो पीछे हमारा एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बहुत सारे एग्जॉस्ट है। एक रॉप हो गया, लिनसी है, एससी है आपको, और ये सिंग हो रहा है, बहुत सारे हैं, जो दिल करे ऑस्टिंग रेसिंग है, जो दिल करे वो आप लगा सकते हो। आज मैं आवाज़ सुना देता हूँ, जितना भी हो आपको आवाज़ सुना दूँगा, जो पसंद हो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अपने एग्जॉस्ट का कौन सा साउंड अच्छा लगा। चलते हैं पहले बैंड पाइप भी देखते हैं कि कंपनी वाला कैसा बैंड पाइप है, उसमें डबल सेंसर कहाँ कहाँ पे है। सो गाइस जो हमारा बैंड पाइप देख सकते हो खुल चुका है, जो हमारा ये जैसे तीन पेज होते हैं, दो आगे होते हैं और एक यहाँ पे तीसरा पेज खुला, एक जोश हमारा बाहर आ गया। और ये हमारा सेंसर है, ये देख सकते हैं, एक सेंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये भी प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, जैसे खोलो और लगाओ, कोई आपको अलग से कुछ भी चेंजेज नहीं करना। ये हमारा बैंड पाइप का सेंसर देखो, सेम जहाँ पे होता है सेंसर वहाँ पे आपका ये लग जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील का है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है। जब दिल करे आप हटाना चाहो हटा सकते हो, जब दिल करे लगाना चाहो लगा सकते हो। सो गाइस जब ये पहले बैंड पाइप फिट करवाते फिर मैं आवाज़ वगैरह सुनाता हूँ आपको कि कैसा। सो गाइस जो अपना बैंड पाइप लगने के बाद पूरा कम्प्लीट हो चुका है, देख सकते हो ऐसा कुछ लुक आने वाला है अपना, ये आपका बैंड पाइप का। अब मैं एग्जॉस्ट सुना दूँ, पहले ये आपका आ गया एससी का, और ये आपको बिना डीबी किलर का होता है, इसका मैं साउंड सुना दूं पहले। और ये अपना पहले तो लगने के बाद ऐसा कुछ लुक आने वाला है, जो लगेगा कि कंपनी का ही, जैसे कंपनी से लग के आया वो अपना एक दोस्त, ऐसा लुक आ गया। अब इसका मैं साउंड सुना दूं आपका, ये था अपना एससी का एग्जॉस्ट। अब जो मैं सुनाने वाला हूँ एक्रापोविक, ये सारे जितने भी हैं बेसिक हैं, जैसे बेसिक एग्जॉस्ट सुना रहा हूँ, जो आपको जैसे कम रेंज में जो होता है एग्जॉस्ट, उसका मैं साउंड सुना रहा हूँ आपको, ये इसका भी आप साउंड सुन सकते हो। सो भाई ये अपना आ गया ये 6 कट एक्रापोविक, इसका भी साउंड आप सुन लो कि कैसा साउंड है, और इसका लुक कुछ ऐसा आता है। तो भाई ये आपका आ गया R9 का एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही प्यारा है, और ये कार्बन फिनिश, और इसके साथ आपको कैप भी आता है, जो कुछ लुक चेंज करने, अगर कैप हटाना हो तो कैप भी हटा सकते हो, बिना आप कैप का भी लगा सकते हो। अब आप इसका भी साउंड सुन लो,
और ये देखने से ऐसे भी लगता है कि जैसे कंपनी से लग गया, कुछ अलग से ना लगाओ ऐसा लगेगा आपको। और इसका साउंड आप सुन लो, आप तो भाई अपना जो फाइनल होता है ये अपना सिक्स कट और ये डीबी किलर के साथ है। डीबी किलर मैं दिखा दूँ कैसे लगता है, ये डीबी किलर हमारा ऐसे लग जाता है। और डीबी किलर लगने के बाद आपका होता है कि आवाज़ कम हो जाएगा, जैसे नॉर्मल आपका बाइक का होता है साउंड वैसा हो जाता है इसका डीबी किलर लगाने के बाद। और भी कोई एग्जॉस्ट वगैरह चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे एग्जॉस्ट हैं, आप आओ शॉप पे, मैं एग्जॉस्ट वगैरह का और भी आपको ऑप्शन सुना दूंगा, जो पसंद हो आप लगवा सकते हो। प्राइस वगैरह पूछना है तो आपको डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हो। शॉप पे आना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डला हुआ है, फिर शॉप पे भी आ सकते हो। और अगर मेरे चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको नया नया देखने को हमेशा वीडियो मिलता रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मोटिफाइड के साथ। बाय बाय।